वेलकम टू माय चैनल हंग्री गर्ल। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल के न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज की डिश एक स्पेशल किस्म का मीठा है, बहुत टेस्टी और बहुत इजी डिश है। डिश का नाम है एप्पल खीर। एप्पल खीर सुनते ही लोगों को ऐसे लगता है जैसे कि दूध और एप्पल को मिक्स करेंगे तो खीर फट जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप मेरे तरीके से इसे बनाएंगे तो खीर कभी भी नहीं फटेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 लीटर दूध लें, जिसे हम बॉयल करेंगे तब तक जब तक कि दूध आधा ना रह जाए। जब तक दूध बॉयल होता है तब तक हम एप्पल्स को रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 बड़े एप्पल्स को पील करके ग्रेट कर लिया है। अब हम एक पैन में एप्पल्स ऐड करेंगे। अब इनको 5 मिनट तक पकाते रहेंगे। इनका कलर पकाते पकाते ब्राउन हो जाएगा और पानी भी सूख जाएगा। देखिए एप्पल्स का कलर ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। मैं नॉर्मल शुगर यूज नहीं करती हूँ, इसीलिए ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल शुगर ऐड करें। अब मैं इसमें नट्स ऐड कर रही हूँ। मैंने काजू और बादाम लिए हैं, आप कोई से भी नट्स ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून खुशबू के लिए इलायची पाउडर ऐड करा है। देखिए एप्पल प्रॉपरली रेडी हो चुका है। अब हम गैस बंद करके जो मिल्क बॉयल हो रहा था गरम गरम मिल्क इसमें डाल देंगे, लेकिन ध्यान दीजिए गैस बंद हो चुकी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए हमारी एप्पल खीर रेडी है। देखिए ये खीर फटी भी नहीं। एप्पल खीर को 2-3 घंटे अगर आप फ्रिज में रख के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। गर्म एप्पल खीर का स्वाद अच्छा सा नहीं आता है, तो इसे ठंडा कर खाएं, बहुत ही डिलीशियस है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।